हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रशीद टाइल्स वर्क। फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप बकेट, ये केमिकल की बकेट है बाथरूम में लगाने के लिए। ये लिक्विड है फ्रेंड्स मिलाने के लिए। अब आगे चल के बताता हूँ कैसे मिलाना है आपको। फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं अभी, देखिए इस प्रकार से पहला ये डालना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट ये डालना है फ्रेंड्स। और ये दो डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग करने के बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर पानी नहीं डालना चाहिए फ्रेंड्स। अगर पानी डालेंगे तो ये काम पे नहीं आता फ्रेंड्स। ये बाथरूम में लीकेज नहीं होने के लिए लगाने का है फ्रेंड्स। वाटर लीकेज होता है, जहाँ फिर वाटर लीकेज होते ना बोलते ना फ्रेंड्स, उसके लिए काम पे आता। और उसके अंदर ग्राउट मिलाना चाहिए फ्रेंड्स। ग्राउट मिला के लगाए तो बेहतर रहता फ्रेंड्स। देखिए, अपन जितना लिक्विड डाल रहे हैं उसके हिसाब से ग्राउट मिलाना चाहिए फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स देखिए, इस सब प्रकार से मिला लेके ये अच्छे तरीके से मिक्सिंग करना है फ्रेंड्स। जितना मिक्सिंग करें तो उतना बेहतर रहता फ्रेंड्स। देखिए, इस प्रकार से मिक्सिंग कर लिए, 100% वाटर लीकेज नहीं होता फ्रेंड्स। क्योंकि तकरीबन जगह बोलते हैं वाटर लीकेज होता है, वो बोल के बोलते हैं ना फ्रेंड्स। बाथरूमों में अगर बाथरूमों में लगा रहे हैं तो जेंट फिक्सिंग के लिए नहीं लगाना फ्रेंड्स। स्पेसर्स अगर लगा रहे हैं तो ही ये यूज़ करना है फ्रेंड्स, लिक्विड। या नहीं तो लिक्विड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। देखे फ्रेंड्स, इस प्रकार से मिलाना है। सेम एक कैसा होता बोले तो फ्रेंड्स, वो अपन एयरलाइट जो लगाते ना उस प्रकार से जमता फ्रेंड्स। सेम एयरलाइट, डिटो एयरलाइट। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से लगाना है। हाथ को ग्लव्स लगाना, 100% ग्लव्स यूज़ करना है फ्रेंड्स। ग्लव्स यूज नहीं करें तो हाथ भी पूरा हाथ ख़राब होने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर इस प्रकार से अपन लगाएंगे तो 100% वाटर लीकेज नहीं होने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स। तो इससे अपने को प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं होता, बेहतर रहता। देखने के लिए भी नीट आता, लेकिन लगाने के लिए टाइम बहुत लगता फ्रेंड्स। जितना ग्राउट लगाने में टाइम लगता और उससे कहीं ज़्यादा टाइम इसमें लगता है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे तरीके से सर्विस देता है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये बाथरूम फ्लोरिंग जो डाला हूँ इसमें स्पेसर्स लगाया हूँ फ्रेंड्स। स्पेसर्स लगा के लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा है, सुंदर देखने के लिए भी सुंदर लगेगा लगाने के बाद। अगर फ्रेंड्स अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से लगा रहा हूँ, बहुत मजबूत रहेगा, मजबूत बहुत मजबूत ही रहेगा, पकड़ भी देखने के लिए भी। लगाने के बाद एयरलाइट जैसे लगेगा ना फ्रेंड्स, ऐसे सेम लगेगा, ग्लास की तरह दिखेगा फ्रेंड्स। एजेंटों में भी बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, अभी जब भी अपन वो कर रहे हैं, अगर स्पंज मार रहे हैं तो स्पंज के साथ इसके अंदर दूसरा जो आता है फ्रेंड्स, एक केमिकल लगाने के बाद एक आधा घंटा या 20 मिनट लगाने के बाद एक आधा घंटा 20 मिनट टाइम देना चाहिए फ्रेंड्स। 20 मिनट के बाद ये स्पंज जो है ना पूरा बिल्कुल गीला मारना है फ्रेंड्स। बिल्कुल गीला मारेंगे तो अगर स्पंज पूरा निचड़ेंगे, पूरा पानी निकालेंगे तो नहीं जाएगा फ्रेंड्स, केमिकल नहीं जाएगा। पूरा बिल्कुल गीला रखना चाहिए। गीला रख के फिर डबल स्पंज दूसरे स्पंज से मारेंगे तो इस प्रकार से नीट हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत सुंदर सा लगेगा। 100% वाटर लीकेज नहीं, चांसेस तो 100% नहीं रहता फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से काम कर रहा हूँ। अगर मेरा काम आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वन मोर कमेंट फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लगेगा। थोड़ा इसके अंदर वो भी एयरलाइट का वो आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से लगा रहा हूँ, बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए इसके अंदर मिलाने मिक्सिंग करने के टाइम पे। जितना हो सके उतना गीला स्पंज मारना चाहिए। देखिए, अगर अपन स्पेसर्स लगा रहे हैं तो ये केमिकल लगाना है फ्रेंड्स, या नहीं तो केमिकल नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को।
क्योंकि स्पेसर्स लगाने से गैप जेंटिंग ज़्यादा आएगा ना फ्रेंड्स, इसलिए ये लगाने का है अपने पास। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। देखिए फ्रेंड्स अभी पूरा केमिकल जेंटो में ग्राउट लगा दिया हूँ, केमिकल लगाया हूँ। देखिए लगाने के बाद इस प्रकार से दिखेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर मेरा काम आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और एक अभी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें और कुछ बताएंगे फ्रेंड्स इंशाल्लाह। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर दी वॉच फ्रेंड्स।